उत्तरी हिमालय के पवित्र पर्वतों में दिव्य प्राणियों की एक दुनिया में एक बालक का जन्म हुआ जो अन्य सभी से अलग था। ये बालक, जिसके सिर पर हाथी का मुख और शरीर एक बच्चे का था, एक दिन दुनिया के सबसे प्रिय और पूज्य भगवान बनेंगे, गणेश, विघ्नहर्ता और शुभारंभ के देवता। आइए गणेश के बचपन की कुछ मंत्र मुग्ध कर देने वाली कहानियों में डूबते हैं। देवी पार्वती, जो शक्ति और ऊर्जा की देवी हैं, ने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए मिट्टी से एक पुत्र का निर्माण किया। इस बालक का नाम उन्होंने गणेश रखा, जो उनके प्रेम और दिव्य ऊर्जा से बना था। पार्वती अपने सृजन की ओर स्नेह से मुस्कुराती हैं, जैसे ही गणेश जीवन में आते हैं और पहली बार अपनी आंखें खोलते हैं। मेरे प्रिय गणेश, तुम मेरे अनमोल पुत्र हो, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी। गणेश हंसते हैं और उनकी गोद में दौड़ जाते हैं, जहां दोनों एक गर्मजोशी भरे आलिंगन में बंध जाते हैं। एक दिन जब पार्वती स्नान कर रही थी, उन्होंने गणेश से दरवाजे की रक्षा करने के लिए कहा और किसी को भी अंदर न आने देने के लिए कहा, चाहे वो कोई भी हो। गणेश, जो हमेशा आज्ञाकारी थे, अपनी भूमिका को गंभीरता से लेते हुए खड़े रहे, इस बात से अनजान कि जल्द ही उन्हें एक चुनौती का सामना करना पड़ेगा। जैसे ही गणेश पहरे पर खड़े होते हैं, भगवान शिव ध्यान से लौटते हैं। वो दरवाजे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन गणेश बिना किसी संकोच के उनका रास्ता रोक देते हैं। शिव, शांतिपूर्वक, बालक, मुझे अंदर जाने दो, मुझे पार्वती से मिलना है। गणेश, दृढ़ता से, जब तक मेरी माँ स्नान कर रही हैं, तब तक किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है, यहाँ तक कि आपको भी नहीं। शिव, जो इस बालक की दृढ़ता से हैरान है, उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गणेश अपने स्थान पर दृढ़ रहते हैं। एक तीव्र लेकिन मनोरंजक आमना सामना होता है। दृश्य एक नाटकीय क्षण में बदल जाता है जब भगवान शिव क्रोध में आकर अपने त्रिशूल से गणेश का सिर काट देते हैं, यह नहीं जानते हुए कि वह उनका पुत्र है। पार्वती बाहर आती हैं, भयभीत होती हैं, और शिव, जो अब पछतावे से भरे हुए हैं, तुरंत इसे सुधारने का प्रयास करते हैं। अपनी बड़ी गलती का एहसास होने पर भगवान शिव ने गणेश को पुनर्जीवित करने की कसम खाई। उन्होंने अपने अनुयायियों को आदेश दिया कि वे सबसे पहले मिलने वाले प्राणी का सिर लेकर आएं। वे एक बुद्धिमान हाथी का सिर लेकर लौटे, जिसे शिव ने गणेश के शरीर पर स्थापित कर दिया। जैसे ही हाथी का सिर गणेश के शरीर पर रखा जाता है, शिव उन्हें आशीर्वाद देते हैं और गणेश अपने नए रूप में जागते हैं। पार्वती, जो अब अत्यंत प्रसन्न हैं, अपने पुत्र को गले लगाती हैं। तुम साधारण बालक नहीं हो गणेश, आज से तुम विघ्नहर्ता कहलाओगे और हर शुभ कार्य से पहले तुम्हारी पूजा की जाएगी। हर बच्चे की तरह गणेश को भी खेलना बहुत पसंद था। एक दिन उन्होंने बगीचे में एक छोटी बिल्ली देखी और उसके साथ खेलने का फैसला किया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इस मासूम खेल से उन्हें एक महत्वपूर्ण सीख मिलेगी। खेलने के बाद गणेश पार्वती के पास दौड़ते हैं, जो शांतिपूर्ण ढंग से बैठी होती हैं। वो देखते हैं कि उनकी माँ धूल में लिपटी हुई और थकी हुई दिखाई देती हैं। गणेश, जो अब अपने प्रतीकात्मक हाथी मुख वाले रूप में हैं, मुस्कुराते हैं और उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल जाता है। गणेश, चिंतित होकर, माँ, आप इतनी थकी हुई और गंदी क्यों दिख रही हैं? पार्वती, कोमलता से, मेरे प्रिय पुत्र, जिस बिल्ली के साथ तुम खेल रहे थे, वह कोई और नहीं बल्कि मैं ही थी। तुम्हें सभी प्राणियों के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आना चाहिए। गणेश, अपनी गलती का एहसास करते हुए, अपना सिर झुका लेते हैं और पार्वती स्नेहपूर्वक उनका सिर थपथपाती हैं, उन्हें माफ कर देती हैं। इस सरल घटना से गणेश ने सीखा कि सभी प्राणी आपस में जुड़े हुए हैं और हमें उनके साथ प्रेम और देखभाल के साथ पेश आना चाहिए। अपने चंचल बचपन से लेकर विघ्नहर्ता बनने तक गणेश के जीवन की कहानियां हमें कर्तव्य, सम्मान और दया का महत्व सिखाती हैं। आइए हम सब भी इस प्रिय हाथी मुख वाले भगवान की बुद्धिमत्ता से प्रेरणा लें।